हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे, सब बढ़िया है? तो इस वीडियो में मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं, जो कि मैं बहुत दिनों से बताना चाहता था और ये कॉन्फिडेंट मुझे इतने सारे वीडियो डालने के बाद आया। मतलब इतने सारे, मतलब कि 10 वीडियो डाले अभी तक। तो ये इच्छा कुछ दिनों से मेरे मन में चल रही थी कि जो लास्ट वीडियो कुछ डाले हैं उसमें मैंने अपना कुछ प्रॉपर इंट्रो नहीं दिया है, प्रॉपर अपने बारे में कुछ बता नहीं पाया, जो कि एक आपसे कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरा नाम परेश मिगजी महेश्वरी है। वैसे तो मैं गुजरात के मुंद्रा शहर से हूँ, बट वहाँ पर हम ज़्यादा रहे नहीं हैं। पापा की नौकरी के चलते हम वलसाड शहर में ही रहे हैं, जो कि गुजरात में ही है। तो पापा की जब नौकरी ख़त्म हुई तो वापस हम आ गए मुंद्रा गांव में। वो 2 से 3 साल मैंने मुंद्रा में जॉब की, उसके बाद मैं आ गया अभी गांधीधाम। तो हाल फिलहाल मैं अभी गांधीधाम में रहता हूँ और गांधीधाम में ही जॉब करता हूँ। जॉब में मुझे सिर्फ 2 ही दिन मिलते हैं, सैटरडे और संडे, जब मैं यूट्यूब के लिए काम। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रो कि मैं कैसे क्या हूँ। अब सवाल ये कि यूट्यूब क्यों, मैं यूट्यूब पे क्यों हूँ, कैसे मुझे यूट्यूब का शौक चढ़ा। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं मुंद्रा में जॉब कर रहा था। जॉब में कुछ ज्यादा काम नहीं होता था, घर पे ही बैठे रहते थे। ज्यादा मतलब कुछ काम ही नहीं था, 2 से 3 महीने कुछ काम ही नहीं था, घर पे ही बैठे रहते थे। तो घर पे बैठे आदमी क्या करेगा, एक तो टीवी देखेगा या तो फिर मोबाइल में इंटरनेट यूज करेगा। तो तब मैं टीवी देख देख के बोर हो गया था, इन मोबाइल देख रहा था, मोबाइल में इंटरनेट वाई ट्रेंड के बारे में मैं सर्च कर रहा था। तो रैंडमली एक वीडियो आया जिसमें 2 से 3 बंदे बाइक से मुंबई से वाइट रन आ रहे हैं, जो बाइक से अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं और वाइट रन के लिए आ रहे हैं। तो मुंबई से यहाँ 800 किलोमीटर दूरी है। तो मैंने सोचा कि ये तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, 800 किलोमीटर बाइक पे जाना, ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत मजा आता है। क्योंकि मैं भी छोटी छोटी राइड करता था पहले से ही, हम 200-300-500 तक बाइक में चलाता था। तो मुझे ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, तो ये मैंने पूरा वीडियो देखा और उस बंदे की मैंने शायद और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो सब मैंने वीडियो देखा। तो फिर मैंने ज्यादा सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो एक ही ग्रुप नहीं है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो घूमते हैं बाइक से, पूरा ट्रैवल करते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं। तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, तो ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, क्योंकि वो 2 से 3 मंथ में फ्री ही था, घर पे ही बैठा था, उस टाइप के मैंने सब वीडियो देखे। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि चलो मुझे भी शौक है ट्रैवलिंग का, मैं भी घूमता हूँ, तो क्यों ना मैं भी आज से शूट करूँ और यूट्यूब पे डालूँ। मुझे बाइक का तो वैसे चलाने का पहले से ही शौक है। मुझे याद है पापा ने मुझे 8th क्लास में था तब पापा ने बाइक लेके दी थी, और तब से मैं बाइक चलाता हूँ, राइड करता हूँ। और लॉन्ग राइड मतलब कि इतनी लॉन्ग राइड पे नहीं जाता कि 1000-2000 किलोमीटर, बट 500 किलोमीटर तक तो मैं भी बाइक चला लेता हूँ। तो तब से मुझे लगा कि चलो मैं भी यूट्यूब चालू करूँ और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा घूमने तो वहाँ वहाँ अपने वीडियो शूट करूँगा और यूट्यूब पर डालूँगा। और वो जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने देखा था वाइट रन, मतलब कि मुंबई से जो वाइट रन आ रहा था, वो था मुंबई कर निखिल, उसको तो आप सब जानते ही होंगे आई एम श्योर। तो उसके बाद जो मैंने देखा था वो था MHK था, विकास रचमला था और भी यूनिक था। तो वो सब स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो मैंने पहचाना कि यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब पे ये सब वीडियो कहाँ से आते हैं, तब मुझे उस 2 से 3 महीने में मुझे वो पता चला। तब मैंने ये मुंबई कर निखिल का वीडियो देखा, उसके सारे वीडियो देखे, MSK के सारे वीडियो देखे, और ये KTM का शौक भी वहीं से मुझे जगा कि भाई KTM लेनी है। और वो जो स्टार्टिंग में वीडियो डाले हैं वो मतलब ऐसे ही मैंने डाले हैं, लेकिन जो फुल इंस्पिरेशन मिला कि भाई अभी प्रॉपर यूट्यूब वीडियो बनाने हैं, तो वो मुझे मिले हैं इरफान जुनेजो से, जो है पाकिस्तान से। अगर आप उसको नहीं जानते आप सर्च करिए, वो उनके वीडियो देखेंगे, उनके वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चालू कर दिया अपना YouTube चैनल। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, बट फिर मुझे लगा कि यार करना है तो करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब अजीब लगेगा, लेकिन जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तब मुझे कॉन्फिडेंट मिलता जाएगा, और जैसे जैसे मुझे कॉन्फिडेंट मिलेगा वैसे वैसे मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते जाऊँगा। और अभी मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही फोकस है, एक मेरी जॉब और दूसरा यूट्यूब। और फर्स्ट पे है जॉब, क्योंकि जॉब है तो यूट्यूब है। यूट्यूब वीडियो बनाने में बहुत सारे खर्चे आते हैं जो मैं प्रीफर नहीं कर पाऊंगा अगर जॉब नहीं करूंगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जॉब की है, जॉब पहले, यूट्यूब बाद में। यूट्यूब को मैं सैटरडे संडे ही करता हूं और बाकी के दिन जॉब करता हूं। अगर सैटरडे संडे भी जॉब मुझे कुछ काम आ गया तो पहले मैं काम करूंगा यूट्यूब को साइड में, क्योंकि जॉब है तो यूट्यूब है। इक्विपमेंट में मेरे पास क्या क्या मैं आपको बताता हूं, तो अभी कैसे बताऊं, क्योंकि जो इक्विपमेंट है उससे ही मैं शूट कर रहा हूं। मेरे पास दूसरा प्रफुल का आईफोन है, तो इससे मैं आपको शूट करके बताऊँगा और ये वीडियो में आप देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट है। तो मेरे पास है ये iPhone 7 128GB, और ये है वाइड एंगल लेंस जो मैं उससे शूट करता हूँ, साथ में LED है, और ये गोरिल्ला पॉड है जो भी
जोबी का नहीं है, मुझे पता है जोबी का अच्छा आता है। तो ये शूट करने का मेरा इक्विपमेंट है आईफोन 7 128 GB वाइड एंगल लेंस, और एक्शन कैमरा है मेरे पास SJ 4000 जो कि बहुत पुराना है, अभी बंद हो गया है, अब नहीं मिलता। कैमरे में कैनन 200D लेना चाहता हूँ जो कि जल्द ही कोशिश करूँगा कि ले लूँ। और वीडियो एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडोब प्रीमियम प्री, और उसके लिए भी बहुत सारे पंगे हुए, उसके लिए भी मैंने पूरा सिस्टम बनवाया एडोब प्रीमियम प्रो रन करने के लिए। जो आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा लैपटॉप वाला मेरा थोड़ा प्रॉब्लम रहा था, वो इसी की वजह से था क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं था, तो मैंने वो जमा करके ये PC नया बनवाया है। और मेरे पास बाइक तो आपको पता ही होगा कि कौन सी बाइक है, मेरे है KTM जुक 250 व्हाइट कलर, और सेफ्टी गियर्स में और एक एक्टिवा भी है जो मेरी वाइफ चलाती है, CBR 150 है जो मेरा छोटा भाई प्रफुल चलाता है, और एक एक्टिवा जो पापा के पास है, और मेरी फर्स्ट एवर बाइक है यामाहा लिबेरो G5 जो पापा ने मुझे लेके दी थी 500 से 600 किलोमीटर की जो राइड की मैंने उसी बाइक पे की है। अभी थोड़ा रिपेयरिंग मांग रही है बट फिर भी रनिंग में है। और मेरे पास सेफ्टी गियर्स में है BBG की जैकेट, स्पीडी ऐसी जैकेट है, और नी गार्ड है वो भी BBG के हैं, और एक छोटा सा बैग कमर बैग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, और KTM's के ग्लव्स है जो ओरिजिनल नहीं है बट शायद कुछ फर्स्ट या सेकंड कॉपी कुछ रहेंगे KTM के ग्लव्स। तो ये थे मेरे सारे इक्विपमेंट, कुछ अगर भूल गया हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपका मेरे बारे में कुछ सुझाव है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करते जाओ, खुश रहो, हंसते रहो।